गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज विवेकानंद सिन्हा फ्रॉम फ्यूचर इन हैंड्स। फ्रेंड्स, जब हम लोग ऑफिस में एक्सेल रिपोर्ट्स पे काम करते हैं तो हमारे पास काफ़ी वैरायटी के रॉ डेटा आते हैं। उसमें से कुछ डेटा अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होता है, जिसका फॉर्मेट प्रॉपर नहीं होता और उसे हमें क्लीन करने की जरूरत पड़ती है। एंड वन ऑफ दोज फॉर्मेट इज दिस वन, विच इज नोन एज स्टैक्ड डेटा। अगर आप इस डेटा को ध्यान से देखेंगे तो सिंगल कॉलम में आपका डेटा स्प्रेड हो रहा है। लेट्स सी। सो सबसे पहले आपका नाम आ रहा है, नाम के बाद एज आ रहा है एंड एज के बाद लोकेशन आ रहा है। सो ये तीन रो मिलके एक सेट ऑफ डेटा बनता है। अगर मैं सेकंड डेटा की बात करूँ, देन इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम नेम, एज एंड लोकेशन। थर्ड डेटा नेम, एज एंड लोकेशन, मतलब ये नीचे तक आपके डेटा आ रहा है। और एक अगर सेट की बात करूँ तो तीन तीन रो ऑक्यूपाई कर रहा है। नाउ अगर इस डेटा को अगर मैं करेक्ट करना चाहूँ तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। ये एक फॉर्मेट होगा जिसमें हमारे पास तीन कॉलम होंगे। द फर्स्ट कॉलम इज द नेम, सेकंड होगा एज एंड थर्ड होगा लोकेशन। नाउ अगर मैं फर्स्ट फॉर्मेट से सेकंड फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म करने की बात करूं, अगर आप गूगल को सर्च करेंगे सो गूगल में बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। उसमें से जो मैक्सिमम आपके ट्यूटोरियल्स होगा या मैक्सिमम ऑप्शंस होगा वो होते हैं आपके या तो VBA प्रोग्रामिंग या तो आपके पावर क्वेरी एंड द थर्ड ऑप्शन इज द कंट्रोल शिफ्ट एंटर या एरे फॉर्मूलाज। सो आज हम देखेंगे विदाउट यूजिंग एनी ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स थिंग्स, सो किस तरह से एकदम सिंपल मेथड में मैं आपको थ्री वे आउट बताऊंगा, विच इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट मेथड, कि इस डेटा को, स्टैक्ड डेटा को किस तरह से अनस्टैक करना है या प्रॉपर फॉर्मेट में करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ दिस इज द एक्सेल फाइल और इस फाइल में मैं आपको द मोस्ट ईजिएस्ट मेथड बताऊंगा टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। नाउ लेट्स सी। सो व्हाट आई विल डू, दिस इज द सेम डेटा जो मैंने अभी आपको दिखाया था। आई विल जस्ट गो टू द सिंपल इक्वल्स टू ऑपरेशन जो नॉर्मली लोग करते हैं। सो आई विल जस्ट पिक दिस नेम B2। नाउ लेट्स ट्राई टू ड्रैग दिस वन। सो मैं यहाँ पर अगर ड्रैग करता हूँ एज एंड लोकेशन के लिए, सो ये काम नहीं करेगा बिकॉज इट विल जस्ट मूव द रेफरेंस। अगर आप देखोगे तो दिस इज पिकिंग द डेटा फ्रॉम B2। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो ये C2 बिकॉज ये राइट साइड में मूव हो रहा है। सो मैं इसे मैनुअली एक बार प्रोसेस करूँगा। इक्वल्स टू दिस वन, नाउ इक्वल्स टू लोकेशन महाराष्ट्र। नाउ लेट्स ट्राई टू ड्रैग दिस वन इनटू द बिलो रो। यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर भी आपके कुछ गड़बड़ आ रहे हैं बिकॉज दिस इज B2। तो यहाँ पर एक्सेल का नेचर होता है ये B3 आएगा, B4 आएगा, विच इज़ रॉन्ग। सो मैं क्या करूँगा, इसे भी एक बार मैनुअली करूँगा। द सेकेंड वन equals to this one 35 and the last equals to this Delhi. Now let's try to drag. अब देखते हैं कि क्या ये जो हमने वे आउट किया क्या दिस इज प्रॉपर या ये भी गलत हो रहे हैं। सो आपने देखा ये भी गलत आ रहे हैं। सो नाउ वट आई विल डू, आई विल जस्ट डू द रिवर्स ऑपरेशन। अब देखिए क्या करना है। नाउ वट आई विल डू, मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जितने भी मैंने फॉर्मूलाज अभी टाइप किया है, इस फॉर्मूलाज को मैं स्टैटिक टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दूंगा ताकि मेरा रेफरेंसिंग मूव ना हो। नाउ वट आई विल डू, आई जस्ट गो टू कंट्रोल H, विच इज़ फाइंड एंड रिप्लेस। मैं क्या करूँगा, आई जस्ट फाइंड इक्वल्स टू और रिप्लेस करूँगा VS, विवेकानंद सिन्हा। आप कोई भी स्टैटिक टेक्स्ट दे सकते हैं यहाँ पर। आई जस्ट गो टू रिप्लेस ऑल। सो रिप्लेस ऑल जैसे ही मैंने किया, यहाँ पर क्या हो गया, जो भी आपके रेफरेंसेस थे, मतलब इक्वल्स टू के जगह आपका VS हो गया और एक स्टैटिक टेक्स्ट बन गया। अब मैं क्या करूँगा, आई जस्ट ड्रैग दिस टू डाउनवर्ड्स। अब देखते हैं, नीचे तक हमने ड्रैग किया, जैसे मैंने नीचे ड्रैग किया आप देख रहे हो एक फॉर्मेट आ रहा है, ये एक ट्रेंड आ रहा है जैसे एक्सेल का नेचर होता है। B2, B5, B8, B11, लेट्स वेरीफाई फॉर B8। वट इज़ B8? B8 इज़ द थर्ड नेम, धीरज इंद्र प्रकाश। इसी तरह से B11 इज द फोर्थ नेम, ग्रेट। नाउ आई विल जस्ट डू द मैजिक। अब मैं क्या करूँगा, आई जस्ट सिलेक्ट द इंटायर डेटा जो मैंने अभी किया टेक्स्ट को। अब मैं क्या करूँगा, आई जस्ट अगेन गो टू फाइंड एंड रिप्लेस कंट्रोल H। इसमें क्या करूँगा, आई जस्ट डू द रिवर्स ऑपरेशन। मैं यहाँ पर जाऊँगा VS को सर्च करूँगा और रिप्लेस कर दूंगा इक्वल्स टू से। नाउ लेट्स सी द मैजिक। डन। देखा आपने कितने इजी मेथड में विदाउट यूजिंग एनी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला मैंने इस चीज को अचीव किया है। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द फर्स्ट मेथड ऑफ डूइंग दिस। लेट्स मूव टू द सेकंड मेथड और देखते हैं कि और क्या वे आउट है इसी टास्क को अचीव करने के लिए। सो आई जस्ट गो टू द सेकंड शीट।
सो फ्रेंड्स दिस इज द सेकेंड सीट जहां पर डेटा भी सेम है और फॉर्मेट भी सेम है, बट एक चीज जो डिफरेंस है विच इज द वे आउट जो मैं आज कवर करने जा रहा हूं एंड विच इज रियली अ यूनिक एंड मैजिकल वे आउट जो आपने पहले कभी यूज नहीं किया होगा. सो आई रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को और इस स्टेप को ध्यान से देखिएगा बिकॉज ये काफी काम आने वाला है. सो फ्रेंड्स 2019 जो आपका लेटेस्ट वर्जन ऑफ एक्सेल है इसमें कुछ डायनेमिक अरेज आए हुए हैं, डायनेमिक एरे फंक्शंस आया हुआ है विच इज रियली ए पावरफुल फंक्शन. और आपके जो पुराने एक्सेल फॉर्मूला हम यूज करते थे कंट्रोल शिफ्ट एंटर वाले जो एरे फॉर्मूलाज होते थे उसको ये फंक्शंस ने रिप्लेस किया हुआ है. सो उसमें से एक फंक्शन मैं इसमें यूज करने जा रहा हूँ विच इज सिक्वेंस फंक्शन. सो एक बार देखते हैं कि सिक्वेंस फंक्शन का बेसिक पैरामीटर और बेसिक यूज क्या है एंड देन वी विल इंप्लीमेंट दिस वन. सो लेट्स सी. सो इक्वल्स टू सिक्वेंस. अब सिक्वेंस में आप देख लो चार पैरामीटर आ रहे हैं, रोज, कॉलम्स, स्टार्ट और स्टेप. सो नाम से ही लग रहा है सीक्वेंस का मतलब मुझे कुछ सीरीज बनाने का ऑप्शन मिलेगा इसमें. सो लेट्स से कि मुझे पांच रोज जाने हैं और मुझे कॉलम्स जाना है तीन. सो फाइव रोज थ्री कॉलम्स, स्टार्ट मुझे करना है वन से और जंप जो करना है स्टेप वो भी एक है. सो ब्रैकेट क्लोज एंटर डन. सो आपने देखा कितना पावरफुल फंक्शन है कि बिना ड्रैग किए हुए ये एक एरिया ऑक्यूपाई कर लेता और ऑटोमेटिकली उसके जैसे आप रिजल्ट दे देते हैं. सो यहाँ पर सिर्फ आपके फॉर्मूला लिखा हुआ है, अगर आप नीचे जाओगे तो मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ, ये ऑटोमेटिकली पिक कर रहा है यहाँ से. सो फर्स्ट में आपको सिर्फ फॉर्मूला लिखना पड़ेगा और वो उसी तरह से आपका ऑक्यूपाई कर लेगा स्पेस जितने की जरूरत है. सो आई विल बी यूजिंग दिस फंक्शन टू गेट द रिजल्ट. अब मैं आता हूँ डेटा की तरफ और डेटा को थोड़ा सा और अच्छे से स्टडी करते हैं. सो मेरा जो फर्स्ट आप देख रहे हो नाम है, एज है एंड लोकेशन है. सो ये हो जाएगा 1, 2, 3 देन 4, 5, 6. सो 1, 2, 3 ऐसे आने चाहिए, 4, 5, 6 ऐसे आना चाहिए तभी मेरा डेटा आ पाएगा. तो लेट्स सी कि सीक्वेंस को कैसे यूज करें. तो इक्वल्स टू सीक्वेंस. सो फ्रेंड्स यहां पर सबसे पहले पूछा जा रहा है रोज. अब यहां पर रोज को ध्यान से देखते हैं. अगर आप इस डेटा को अच्छे से देखोगे नीचे तक, सो देर आर 60 रिकॉर्ड्स. 60 रिकॉर्ड्स का मतलब हो गया एक एक रिकॉर्ड में तीन रोज ऑक्यूपाई हो रहे हैं, मतलब 60 divided by 3 = 20. तो मेरे यहाँ पर 20 रोज का डेटा. आगे आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हो, अगर आपका डेटा आपका नहीं आ रहा है, कम आ रहे हैं या ज़्यादा आ रहे हैं, सो यू कैन जस्ट रीएडजस्ट लेटर ऑन. सो 20 कर दिया. कॉलम्स मुझे चाहिए 3 बिकॉज 3 कॉलम में डेटा है. स्टार्ट मुझे करना है 1 से और स्टेप भी मुझे करना है 1. सो आई विल बी गेटिंग दिस 1. सो आपने देखा यहाँ पर किस तरह से आ रहे हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से आ रहे हैं. Now let's use the index function to extract the data. So I'll be using index. Now array is this one. This is the array जहाँ से मुझे data खींचना है या extract करना है. Row number जो मैंने अभी sequence function से use किया है. Now I'll just close the bracket. Done. So this is the magic of sequence function. आपने देखा कितने easy format में sequence और index को combine करके I've extracted the data. Now अब इसमें एक challenge आएगा. कल के दिन अगर आपका डेटा बढ़ता है, लेट्स सी कि अगर मान लीजिए ये फॉर्मेट है और नीचे से मैंने अगर डेटा को बढ़ा दिया, दिस इज द सैम्पल डेटा, मैंने कुछ और एक्स्ट्रा डेटा यहाँ पर रखा हुआ है. सो आई जस्ट कॉपी द डेटा और डेटा को कॉपी करके अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, लेट्स सॉरी इस स्वीट में जाता हूँ और नीचे अगर डेटा पेस्ट करता हूँ, दिस वन द न्यू डेटा, सो ये नहीं काम करेगा. आपको ये बार बार ना मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा नंबर ऑफ रोज. सो एक बार देखते हैं कि विदाउट एडजस्टिंग किस तरह से करना है, मतलब इसी फॉर्मेट का जो सेकंड मेथड मैंने कवर किया है इसी का एक एडवांस वर्जन विच इज द मेथड 3. सो मैं क्या करूंगा, आई विल बी यूजिंग कंट्रोल टी और मैं इसे टेबल में कन्वर्ट कर दूंगा. माय टेबल हैज हेडर्स, नो माय टेबल डज नॉट हैज एनी हेडर्स. सो मैं ओके करूंगा. सो ये एक टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा. व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट रिपीट द सेम प्रोसेस. सो आई विल बी यूजिंग इक्वल्स टू index, array is this one. So ये table format में, तो ये dynamic काम करेगा. Now the first parameter जो आपके इधर आ रहे हैं, second parameter index के, so मैं यहाँ पर sequence use करूँगा. Sequence में rows, अब rows के लिए क्या करेंगे, so I can use this one, rows of, rows function use करूँगा और मैं इसे use कर लूँगा, this one, rows. So ये क्या करेगा, यहाँ पर जितने भी रोज है उनका काउंट बताएगा, नंबर ऑफ रोज, नाउ डिवाइडेड बाय 3, दिस वन. आप एक काम कर सकते हैं, रोज यूज ना करके आप काउंटे भी कर सकते हैं, काउंटे डिवाइडेड बाय 3 भी कर सकते हैं. ना कॉलम्स इज 3, स्टार्ट इज 1 एंड स्टेप इज 1. ब्रैकेट क्लोज
ब्रैकेट क्लोज एंड बूम, देखा आपने वो आपके जो डेटा था वो आ गया। अब देखते हैं इसको डायनेमिक कैसे काम करेगा। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट क्रिएट अ सेकेंड विंडो। एक बार देखते हैं सेकेंड विंडो कैसे क्रिएट करें। सो आई जस्ट गो टू व्यू टैब और व्यू टैब में बोल देता हूँ मैं न्यू विंडो। सो ये क्या कर रहा है, उसी फाइल का एक और विंडो, दिस इज द सेकेंड विंडो। अब मैं दोनों फाइल को साइड साइड रखूंगा और मैं आपको दिखाता हूँ द मैजिक। सो आई जस्ट गो टू व्यू, आई जस्ट गो टू अरेंज ऑल और यहाँ पर मैं कर दूंगा वर्टिकल एंड विंडोज ऑफ द एक्टिव वर्कबुक। ओके, जैसे ही करूँगा सो इट विल जस्ट क्रिएट द साइड बाई साइड व्यू ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये मेरा फर्स्ट है और ये सेकेंड है। सो मैं एक काम करता हूँ, सेकेंड में मैं उस जगह पर जाता हूँ जहाँ पर डेटा आपका इंक्रीज होगा। सो दिस इज़ द फॉर्मेट, यहाँ पर अभी यहाँ तक डेटा है, ठीक है ना। अगर मैं डेटा इधर इंक्रीज करता हूँ फर्स्ट में, अब मैं फर्स्ट वाले में जाता हूँ वर्जन में, मैं एक काम करूँगा सैम्पल डेटा से जाऊँगा और सैम्पल डेटा से मैं ये पूरा डेटा कंट्रोल सी करूँगा और एक बार देखते हैं। यहाँ पर जैसे मैं पेस्ट करूँगा राइट साइड में देखना, दिस वन कंट्रोल वी, डन। देखा आपने, सो दिस इज़ द पावर ऑफ एक्सेल टेबल। सो एक्सेल टेबल में रखने का फ़ायदा क्या हुआ, सो आपके डेटा आ गया। लेट्स मैक्सिमाइज दिस वन। सो दिस इज़ द पावर, आप एक्सेल टेबल में जैसे ही आपके नीचे डेटा बढ़ेगा, जितना आपका डेटा उधर रहेगा ना। लेट्स क्लिक ऑन दिस वन, जैसे मैंने क्लिक किया इट्स ऑक्यूपाइंग द स्पेस, आप देख रहे हो नीचे तक। अब जो भी आप डेटा नीचे लेफ्ट साइड में पेस्ट करेंगे, राइट साइड में वही फॉर्मेट आपका नीचे तक पिक होगा। सो दिस इज़ अमेजिंग। सो फ्रेंड्स, आई होप यू इंजॉयड दिस ट्रिक्स एंड आई एम श्योर यू विल इंप्लीमेंट दिस ट्रिक्स इन योर ऑफिसेज। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स आते हैं, कोई भी क्वेरीज आते हैं, जस्ट लीव ए कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। इस फाइल को आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज़ शेयर दिस चैनल विथ ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।